Hello students, today we will discuss multiple constructors in a class. So far we have used two kinds of constructors. अभी मैंने आपको बताया था अपने last lecture में, they are वो क्या क्या थे? Integer होता है हमारे पास, ये देखिए integer था जिसमें कोई argument नहीं है, no arguments. Integer, int, int दो तरह के हमने arguments लिए हुए हैं, two arguments. तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फर्स्ट केसेस की, कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है? इटसेल्फ सप्लाई द डाटा वैल्यूज एंड नो वैल्यू आर पास्ड बाय कॉलिंग प्रोग्राम. ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेकंड केसेस की, सेकंड केस में फंक्शन कॉल पासेस द एप्रोप्रिएट वैल्यूज फ्रॉम मेन. C++ परमिट अस टू यूज बोथ दीज constructors in the same class. For example, we could define a class as follow. क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि multiple constructors क्या होते हैं, ठीक है, और कैसे हम multiple constructors declare करते हैं. Class integer हमने ले ली m और n, तो variable declare कर दिए. public में देखिए students, पब्लिक में हमने कंस्ट्रक्टर वन, एक कंस्ट्रक्टर वन ये हो गया इंटीजर, एम को इनिशियलाइज कर दिया जीरो से, एन को इनिशियलाइज कर दिया. ठीक है, इंटीजर इंट ए इंट बी दो वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिए, एम ए और एन इज इक्वल टू बी. सेकेंड कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर दिया एंड दैट इज द थर्ड कंस्ट्रक्टर. तीन कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर दिए हमने इसके अंदर, दिस डिक्लेयर थ्री कंस्ट्रक्टर. फोर एन किसके लिए? फोर एन इंटीजर ऑब्जेक्ट के लिए. फर्स्ट कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है आपका? अगर हम पहले कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो रिसीव नो आर्गुमेंट्स. सेकंड रिसीव्ड, सेकंड की बात करें तो वो रिसीव करता है टू इंटीजर टाइप आर्गुमेंट्स. साफ साफ लिखा हुआ है दो इंटीजर टाइप आर्गुमेंट्स. और अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड रिसीव कर रहा है ओनली वन इंटीजर ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट्स. दिस वे फॉर एग्जांपल अगर डिक्लेयर करते हैं इंटीजर में आई वन लिया, अब अगर इंटीजर आपने आई वन ले लिया है तो क्या करेगा? ऑटोमेटिकली इन्वोक करेगा किसको? फर्स्ट कंस्ट्रक्टर को, एंड सेट कर देगा बोथ एम एंड एन ऑफ आई वन टू जीरो. तो स्टेटमेंट क्या होगी आपकी? इंटीजर, इंटीजर आई टू 20 एंड 40 वुड कॉल द सेकेंड कंस्ट्रक्टर. ये क्या करेगा? कॉल करेगा सेकेंड कंस्ट्रक्टर को विच विल इनिशलाइज द डाटा मेम्बर्स एम एंड एन ऑफ आई टू टू 20 एंड 40 रिस्पेक्टिवली. फाइनली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारे पास? इंटीजर आई थ्री आई टू वुड इन्वोक द थर्ड कंस्ट्रक्टर which copy the values of i2 and i3. आप ऐसे भी बोल सकते हो it set the value of every data element of i3 to the value of the corresponding data element of i2. इस तरह के constructor को हम copy constructor भी कहते हैं. मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि copy constructor क्या होता है हमारा, एक तरह से कंस्ट्रक्टर ही होता है. इस कंस्ट्रक्टर में हम क्लास के ऑब्जेक्ट को उसी क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट में पास करते हैं. ऐसा ही कुछ हमने यहाँ पे किया. जैसा कि नाम ही इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर है, अर्थात एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना. वैल्यू को कॉपी करने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट को पास करना होता है जिसकी वैल्यू हमें कॉपी करनी होती है.
और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्टर में पास करते हैं तब हम किसका यूज करते हैं, एम परसेंट का यूज करते हैं। ये एम परसेंट देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे यूज किया था एम परसेंट आई, ठीक है। अब ये एम परसेंट जो एड्रेस ऑपरेटर होता है इसका यूज करना होता है यहाँ पे, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, ये हम प्रैक्टिकल में करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर्स विथ डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स।